राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ से आ रही बड़ी जानकारी के साथ। सीएम आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, नायब सैनी ने विधायकों को दिया रात्रि भोज का निमंत्रण। रात्रि भोज में शामिल हुए बीजेपी के विधायक, कई सांसद भी रात्रि भोज में शामिल हुए। रात्रि भोज में पहुंचे कई विधायक, कई सांसद भी रात्रि भोज में शामिल हुए। नायब सैनी ने विधायकों को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया है और सीएम आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जहां पे बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक और कई सांसद भी रात्रि भोज में शामिल हुए। धन्यवाद है, मुख्यमंत्री महोदय का डिनर पे बुलाए हैं तो डिनर पे आए हैं आज, और इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई सीएम साहब को कि नई सरकार का गठन होने जा रहा है। सोशल गैदरिंग है जी, सबको, सारे विधायकों को बुलाया गया है डिनर के लिए। बिल्कुल, बहुत भव्य प्रोग्राम कल के लिए आयोजित किया गया है, क्योंकि तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, सरकार बनी है तीसरी बार। आदरणीय हमारे नायब सैनी जी हमारे आज विधायक दल के नेता चुने गए हैं, और भाई सभी कार्यकर्ताओं को भोज दिया है, विधायकों को रम जा रहे हैं। हाँ, अच्छा मंत्रिमंडल बनेगा और नायब सिंह सैनी तीसरी बार की सरकार भाजपा की बना रहे हैं और अच्छा राज चलेगा और आम जनता के, गरीब आदमियों के हित की सरकार है। ओबीसी का चीफ मिनिस्टर है। मैं समझता हूँ, पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे इतने यशस्वी मुख्यमंत्री को दूसरी बार मौका दिया और तीसरी बार पूरे प्रदेश में सरकार बनी है। मैं अपने प्रदेश की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा रहा कि विधायक दल का नेता चुना आज श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री होंगे 24 में, और हमारे लिए अच्छा है कि काम करने वाले हमारे साथी रहे हैं शुरू से ही, पार्टी में भी एक साथ संगठन में काम किया है। बहुत खुशी का मौका है, लोगों ने भाजपा का एक पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत दिया है, तीसरी बार लगातार, ऐतिहासिक क्षण है। मैं प्रदेश का बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और उस बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, दोपहर करीब 1